करीब साल भर बाद किसान आंदोलन थम गया है। कल किसान नेताओं ने सरकार के नए प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया। अब दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसान शनिवार से घर वापसी शुरू करेंगे। वैसे कुछ जगहों पर किसानों ने टेंट हटाने शुरू कर दिए हैं। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको इंतजार था। सरकार के मंत्री, संतरी, दिल्ली के आम लोग और खुद आंदोलनकारी किसान सभी यही चाहते थे कि दिल्ली की सीमाओं पर बने ये अस्थायी बसेरे हटें और किसान अपने अपने घरों को लौटें। लेकिन ये ख्वाहिश पूरी होने में एक साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। बहरहाल कल शाम से ही सिंघू बॉर्डर पर लगे टेंट खुलने शुरू हो गए। पिछले 328 दिनों से किसानों ने सिंघू को अपना घर बना लिया। चाहे वो लोहे के घर हो, चाहे वो बैम्बू के घर हो, अपने रहने की व्यवस्था किसान करके आए थे। यही कारण है कि एक साल से ज्यादा सिंघू पर टिके रहे और अब समय आ चुका है कि सारे किसान घर की तरफ लौट चलें। और घर की तरफ लौटेंगे कैसे? जो कुछ पिछले एक साल में बनाया है वो सबको धीरे धीरे करके अब तोड़ा जा रहा है, डिसमेंटल किया जा रहा है। एक तरफ आपको बैम्बू की शीट्स दिखेंगी, कई सारे घर यहाँ पे बैम्बू के बने हुए थे तो कहीं पे ऐसे लोहे के स्ट्रक्चर्स को खड़ा किया गया था। अब क्योंकि उनकी मांग सरकार ने मान ली है तो किसानों को लगता है कि जीत उनकी हुई है और अब समय आ चुका है कि घर की तरफ प्रस्थान किया जाए। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर भी कल यही आलम रहा। संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान के बाद यहाँ धरने पर बैठे किसानों ने जश्न मनाया और घर वापसी की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन सामान समेटने से पहले बॉर्डर पर ही महिला आंदोलनकारियों ने कबड्डी मैच खेला। गुरुवार सुबह संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से मिले दूसरे प्रस्ताव की समीक्षा की और पूरी बारीकियां समझने के बाद धरना खत्म करने पर अपनी रजामंदी का ऐलान कर दिया। सेनाध्यक्ष की अंत्येष्टि का दिन है, वो देखते हुए हमने उसको एक दिन पोस्टपोन किया है। परसों 11 तारीख को विजय दिवस मनाकर पूरे देश से यहाँ दिल्ली के सारे मोर्चे उठा लिए जाएंगे और देश भर में जहां पे भी धरने, मोर्चे ये सब लगे हुए प्लाजा पे, कहीं कहीं पे, वो सब परसों से उठा लिए जाएंगे। यानी 11 दिसंबर को किसान सरकार पर अपनी जीत का जश्न मनाने के बाद धरना स्थल छोड़ना शुरू करेंगे। लेकिन बॉर्डर पूरी तरह खाली होने में 3 से 4 दिनों का वक्त भी लग सकता है। 11 तारीख से जाने शुरू होंगे लोग, तो वही 12, 13, 14 उम्मीद है कि 15 तारीख तक जाके मोर्चे खाली होंगे सारे। तो 3-4 दिन का लग जाएगा समय? हाँ लग जाएगा, इतने क्योंकि इतना सामान है, ये है, लोग जाएंगे, इनको लेकर जाएंगे, पढ़ने पड़ेंगे, तो बहुत सा वो है। तो लोग शुरू करेंगे कि अब शुरू हो जाएगा तो 2-3 दिन 4 दिन जो भी लगेगा अब लग जाएगा इसमें टाइम। हालांकि किसानों का दावा है कि आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की फिर से बैठक होगी। बैठक में सरकार की कथनी और करनी की समीक्षा की जाएगी। अगर सरकार वादे से भटकती दिखाई दी तो किसान आंदोलन दोबारा शुरू कर सकते हैं। 15 जनवरी को हम लोग फिर बैठेंगे। सरकार ने अभी तक 15 जनवरी तक का जो समय है, मुकदमों से लेकर तमाम जो हमारे साथ उनके अनुबंध हुआ है, क्या किया है उसका मूल्यांकन करेंगे, उसके पश्चात आगामी रणनीति हम तय करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त जश्न का है। लंबे अरसे बाद किसान घरों को लौटने के लिए तैयार हैं, वो भी जीत की खुशी के साथ। मांगे पूरी हुई, गिले शिकवे दूर हुए, कृषि कानून वापस हुए, अब मिले गले, फिर मिले या ना मिले, अब लौट चले।
वापसी की तैयारी शुरू हो चुकी है। तमाम किसान जो हैं वो एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। एक साल का अंतराल जैसा गुजरा उसके बाद सब जानते हैं कि दोबारा मिलना शायद नामुमकिन हो, इसलिए अभी सब लोग एक दूसरे से मिलकर घर की तरफ विदा लेते हुए नजर आएंगे। और कहते भी हैं कि साल भर के अंतराल में सब किसान जानते हैं कि जो साल गुजरे, जो मौसम गुजरे, जो हालात गुजरे वो बेहद मुश्किल भरे थे, लेकिन अब अंत भला तो सब भला। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद वापसी करते हुए लोग नजर में आएंगे। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल, अमित भारद्वाज, वरुण सिन्हा और मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल पावर्ड बाय ईविक्स कैश, हर खुशी के